हाय आई वन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो आज हम जो है ग्रामर का आ, जो फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज एडजेक्टिव्स के थे वो हम पढ़ेंगे जो कि हमारे पेज नंबर फोर्टी सिक्स पे है ठीक है तो इफ़ द पॉजिटिव एंड्स इन ई वी एट ओनली आर एंड एस टी कह रहा है कि अगर हमारा पॉजिटिव जो है डिग्री ठीक है पॉजिटिव डिग्री में जो हमारा एडजेक्टिव है अगर वो ई e से ख़त्म हो रहा है तो हम उसको कंपेरेटिव में सिर्फ आर लगाएंगे और उसी का सुपरलेटिव बनाने के लिए हम उसी के लास्ट में जो है एस टी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री जो है बन जाता है ठीक है नोबल ई से ख़त्म हो रहा है नोबला ठीक है आर लगाया कंपेरेटिव हो गया नोबलेस्ट हो गया सुपरलेटिव प्योर प्योर प्योरेस्ट वाइज 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 ठीक है तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है जब आप डिग्रीज़ को फॉर्म करोगे पॉजिटिव से कंपेयर टू से सुपरलेटिव तो जो भी वर्ड एडजेक्टिव वर्ड ई से ख़त्म होता है उसको कंपेरटिव में फॉर्म करने के लिए लास्ट में उसके आर लग जाता है और उसी को उसी पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव बनाने के लिए लास्ट में एस टी लग जाता है तो सुपरलेटिव बन जाता है ठीक है ये रूल्स है जो आपको याद रखने हैं और जो नेक्स्ट है हमारा ये वाला इफ़ द पॉजिटिव एंड्स इन वाई एंड द वाई हैज़ आंसन एंड इमिडियटली बिफोर इट वाई इज चेंज टू आई बिफोर एडिंग ई आर एंड ई एस टी बट इफ़ वाई हैज़ आफोर इट इट नॉट चेंज टू आई तो इस वाले में हमने क्या करना है किन बातों का ख्याल रखना है जो हमारे पॉजिटिव ओके पॉजिटिव डिग्री में जो हमारा एडिक्टिव होगा जो वो वर्ड होगा अगर वो वाई से ख़त्म हो जाता है अगर वो वर्ड वाई से ख़त्म हो जाता है जैसे कि यहाँ पॉजिटिव में क्या दिया है ईजी वाई से ख़त्म हो रहा है लेजी वाई से ख़त्म हो रहा है इसी तरह एडजेक्टिव वर्ड जो है वाई से ख़त्म हो रहा है तो आ, और उस वाई से पहले जो अल्फाबेट आता है वो अगर एक कंसन होता है तो वाई जो है हमारा किस में चेंज हो जाएगा आई में चेंज हो जाएगा ठीक है वाई जो है वो आई में चेंज हो जाएगा ई e आर या ई एस टी लगाने से पहले वाई जो है वो आई में चेंज हो जाएगा तब जाके ई e आर फिर सुपरलेटिव में ई एस टी लगेगा आपको समझ आया चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री में जो हमारा वर्ड है यानी कि जो एडजेक्टिव वर्ड है वर्ड है वो अगर वाई से ख़त्म होता है वो वर्ड वाई से ख़त्म होता है और वाई के आगे जो है क्या है वाई के आगे अगर एक कंसर्न है कंसन है ठीक है तो क्या होगा Y is changed to I. वो Y जो है ये Y जो है I में चेंज हो जाएगा ठीक है जी ये Y जो है I में चेंज हो जाएगा कब जब Y से यानी कि जब Y से ख़त्म होने वाले पहला अल्फ़ाबेट जो है वो कंसनेंट होगा तो ठीक है तब जाके उसके आगे I के बाद जो है ई आर या फिर ई एस टी लगेगा ठीक है और अगर आ, और अगर आ, वाई से आगे जो है कंसनेंट नहीं होगा या फिर कोई वविल होगा जैसे वाई है ये गे ओके या फिर ग्रे ओके ये वाई जो है इससे आगे हमारा क्या है वविल है यहाँ पे वाई से आगे हमारा कंसनेंट था ठीक है वाई से आगे विल है अगर वाई से आगे हमारा पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव यानी कि वर्ड में वाई से आगे जो है विल होगा तो वाई जो है वो आई में चेंज नहीं होगा ठीक है डायरेक्ट वहाँ पे कंपैरेटिव में ई आर लगेगा और सुपरलेटिव में ई एस टी लगेगा ओके ई आर और ई एस टी का इजाफा होगा ठीक है लेकिन अगर आ, वाई से पहले कंसर्न आ रहा है तो वाई जो है वो आई में चेंज हो जाएगा वाई की जगह आपने आई लिखना है तब जाके ई आर और सुपर में ई एस टी आपने लिखना है ठीक है अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है मैनी एडजटिव ऑफ़ टू सेलेबस सिलेबस एंड ऑल एडजटि ऑफ मोर दैन टू सिलेबस फॉर्म दे आर कंपेटिव बाई यूजिंग मोर बिफोर द पॉजिटिव एंड दे आर सुपरटिव बाई यूजिंग मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव ओके सिलेबस हो गया लफ्ज़ का कोई जुज जो एक आवाज़ से अदा हो या फिर वर्ड का वो वाला पार्ट जो एक आवाज़ से अदा हो उसे सिलेबस कहते हैं ठीक है यानी कि प्रनंशियेशन के ऊपर ही होते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बहुत सारे एडजेक्टिव ओके okay? बहुत सारे एडजेक्टिव जिसमें आ, दो सिलेबल्स आते हो दो आवाज़ आते हो ठीक है साउंड आते हो एंड ऑल एडजेक्टिव और वो सारे एडजेक्टिवस जिसमें आ, दो से ज़्यादा सिलेबल्स यानी कि आवाज़ आते हो फॉर्म दे आर कंपेरटिव वो लोग अपना कंपेरेटिव कैसे फॉर्म करते हैं वो एडजेक्टिव बाई यूजिंग मोर बिफोर द पॉजिटिव ओके आ, वो पॉजिटिव के आगे मोर का इस्तेमाल करते हैं और कंपेरेटिव फॉर्म कर लेते हैं एंड दैट सुपरलेटिव बाई यूजिंग मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव और पॉजिटिव के आगे क्या यूज़ करके मोस्ट का इस्तेमाल करके वो अपना पॉजिटिव से सुपरलेटिव फॉर्म अख्तियार कर लेता है ठीक है चलिए फिर से आपको थोड़ा बहुत सिलेबल्स के बारे में बता दूँ सिलेबल्स हो गया एक वर्ड या फिर एक एडजेक्टिव वर्ड जिसको हम प्रनाउंस करते हुए उसमें से कितने प्रनाउंस करते हुए कितने साउंड जो आते हैं उसे सिलेबल कहते हैं ठीक है जैसे कुछ वर्ड्स में एक ही सिलेबल आते हैं कुछ में दो आते हैं कुछ में तीन आते हैं ठीक है जी जैसे वर्ड फोटोग्राफ है ठीक है इसमें कितने आते हैं इसमें तीन सिलेबल्स आते हैं सिलेबल आते हैं फोटोग्राफ ओके फोटोग्राफ और फॉर एग्ज़ाम्पल इसकेप स् में कितने सिलेबल्स आते हैं इसकेप ओके इसके बाद आ, और एक लेते हैं चेंजेस ठीक है चेंजेस इसमें भी दो सिलेबल्स आते हैं फिर एक्साइटमेंट लेते हैं एक्साइटमेंट इसमें तीन सिलेबल्स आते हैं ठीक है फेयरवेल uh, लेते हैं फेयरवेल इसमें दो सिलेबल्स आ रहे हैं ओके okay? और कुछ दो तीन चार पाँच उससे ज़्यादा भी होता है कुछ में सिलेबल्स जो है जैसे कि हम लेते हैं सेक्रीफाइस uh, तो इसमें देखते हैं कितने सिलेबल्स हैं सेक्रीफाइस इसमें तीन सिलेबल्स हैं और uh, हम लेते हैं इन वेरिएबल ठीक है इन वेरिएबल तो इन वेरिएबल में देखते हैं कितने आते हैं इन वेरिएबल इन वेरिएबल में पांच सिलेबल्स होते हैं तो वर्ड्स को जो हम प्रनाउंस करते हैं उनमें से कितने साउंड निकलते हैं उन्हें हम सिलेबल्स कहते हैं ओके Uh, तो बहुत सारे टू सिलेबल ठीक है टू सिलेबल एडजेक्टिव्स और uh, दो से ज़्यादा सिलेबल्स वाले एडजेक्टिव्स जो है वो कम्पेरेटिव uh, हम कैसे बना सकते हैं उसके आगे मोर लगा के ठीक है मोर लगा के उसको कंपेरेटिव बना सकते हैं जैसे कि ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल ओके उन्हीं का अगर सुपरलेटिव और उन्हीं का अगर सुपरलेटिव हमने बनाना हो तो पॉजिटिव uh, के आगे मोस्ट लगाएंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री जो है हमारा बन जाएगा इसी तरह डिफ़िकल्ट मोर डिफ़िकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट फेथफुल मोर फेथफुल मोस्ट फेथफुल ठीक है जी तो ये आपने आ, कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं ठीक है तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला रूल ठीक है तो इसमें क्या करना है सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड कंपेयर्ड इेगुलरली दैट इज दे डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द रूल्स गिवन अबव सो वी लर्न देम एंड ट्राई टू रिमेंबर देयर कंपेरिटि एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स बोल रहे हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स जो है कंपेयर किए जाते हैं इरेगुलरली ठीक है इरेगुलरली मतलब कि जो ऊपर दिए हुए जितने भी सारे रूल्स हैं उन रूल को आ, क्या कहते हैं फॉलो नहीं करते ठीक है कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो इरेगुलरली कंपेयर करते हैं ठीक है इ रेगुलरली कंपेयर इन द सेंस कि वो ऊपर दिए हुए किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं कंपेयर करते वक्त ठीक है इसलिए हमें uh, उन एडिटिज़ को uh, सीखना है और याद रखना है उनके कंपेरिटिव और स्पेलेटिव फॉर्म्स के बारे में ठीक है जी अब नीचे देखो पॉजिटिव कंपेरटिव स्पेलेटिव बैट वॉज वर्स्ट ठीक है वहाँ पर हमें क्या लगा था या ई एस टी लगा था या ई ER आर लगा था ठीक है इस्ट लगा था या आगे मोर्स लगा था या फिर प्रिंसिपलिटी में मोर्स लगा था तो कुछ एच्यूज यहाँ पे ऐसे होते हैं जो इरेगुलरली क्या होते हैं कंपेयर होते हैं यानी कि वो ऊपर दिए हुए जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं उन्हें फॉलो नहीं करते हैं ठीक है थीके? इनका अपना अलग होता है जैसे बैड वोस्ट वोस्ट फा फादर फादस्ट ठीक है गुड बेटर बेस्ट ओके गुड गुड गुडेस्ट ऐसा नहीं होता है ठीक गुड बेटर बेस्ट लेट लेटर लेटेस्ट फिर है लिटिल, लेस, लीस्ट फिर है मैनी मोर मोस्ट मच मोर मोस्ट ओके फिर हमारा है नियर नियरर नियरेस्ट या फिर ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट ओके या फिर ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट, तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है जो क्या होता है इरेगुलरली कंपेयर होता है ओके okay? यानी कि ऊपर पड़े हुए रूल्स को ये फॉलो नहीं करते हैं ये अलग से इरेगुलरली कंपेयर होते हैं। तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है अच्छे से याद करना है और हमेशा के लिए याद रखना है तो आज के लिए इतना ही कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे थैंक यू सो मच